ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको खास और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे मिथुन राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, इन 15 दिनों में आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। वर्तमान समय में आपके राशि के स्वामी नकारात्मक स्थितियों में थे और पूर्व समयावधि में गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ था, आपके लाभ भाव पर बना हुआ था। इसकी वजह से बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की नकारात्मक स्थितियां भी बनी रही। तो वीडियो के लास्ट में दो विशेष सावधानियों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, जिसका यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। अब इस राशिफल को आरंभ करें उससे पहले हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि इन 15 दिनों में आपके राशि के ऊपर ग्रह स्थिति कैसी बनी हुई है। देखिए, सूर्य, बुध और शुक्र ये तीन ग्रह इन 15 दिनों में आपके राशि के धन भाव पर गोचर करने वाले हैं। 18 अगस्त से मंगल देव आपके सुख भाव पर गोचर करने वाले हैं। राहु और गुरु आपके लाभ भाव पर गोचर करेंगे। इन 15 दिनों में केतु आपके संतान भाव पर गोचर करेंगे। वहीं शनिदेव आपके राशि के भाग्य भाव पर वक्री अवस्था में मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और माइनर ग्रहों का भी परिवर्तन हो रहा है। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार की स्थितियां इस समयावधि में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा। दर्शकों, आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं देव गुरु बृहस्पति और देव गुरु बृहस्पति बहुत ही जल्द अपनी युति भी भंग करने वाले हैं राहु के साथ, चांडाल दोष से मुक्त होने वाले हैं। डिग्री वाइज काफी दूर है तो कर्म क्षेत्र के मामले में मिथुन राशि के लिए समय लाभदायक रहने वाला है। सूर्यदेव आपके राशि के पराक्रम भाव पर विराजित हैं, इसकी वजह से मेहनत आपकी काफी ज्यादा सफल रहने वाली है। पूर्व समयावधि से यदि ज्यादा मेहनत करने के बावजूद परिणाम कम मिल रहा था तो यह समय आपके जीवन में श्रेष्ठता देने वाला है। व्यवसायी जातकों के लिए व्यापक अवसर, व्यापारिक नवीनीकरण और व्यापारिक उपलब्धि होने की भी विशेष संभावना दिखाई देने वाली है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातक अपने वाणी और व्यक्तित्व के द्वारा कर्म क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने में, अपना शानदार व्यक्तित्व का निर्माण करने में सफल रह सकते हैं।
क्योंकि आपके राशि के स्वामी सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। उसके साथ साथ इस 15 दिनों में आपके लिए धन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों आपके राशि का जो धन भाव है काफी प्रभावी है, काफी बली बना हुआ है, और आपके राशि के लाभ भाव पर राहु देव गुरु बृहस्पति के साथ गोचर करने वाले हैं। तो यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 11वें भाव पर लाभदायक ग्रह स्थितियां आर्थिक लाभ के संकेत आपको देने वाली है। इन 15 दिनों की समयावधि में विरासत के माध्यम से पैतृक रूप से धन लाभ की विशेष स्थिति दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ व्यापारिक स्थितियों में पर्याप्त फायदा होगा। व्यापारिक स्थितियों में बिजनेस के क्षेत्र में, विदेश के क्षेत्र में यदि आपका कोई कार्य व्यवसाय है तो यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। फंसा हुआ धन यानी रुका हुआ धन यदि आपके जीवन में बना हुआ है, उसका प्राप्त होने का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों 15 से लेकर 30 अगस्त के बीच में, देखिए आपके राशि के जो चतुर्थ भाव की स्थिति बनी हुई है उसमें मंगल देव का गोचर हो रहा है, और मंगल देव जब चतुर्थ भाव पर गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में तालमेल कम बैठता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो 18 अगस्त के पश्चात पारिवारिक जीवन में सामंजस्य की कमी आपको जरूर दिखाई देगी, लेकिन यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को अपनी सूझबूझ के द्वारा जीवन में चलना चाहिए। पारिवारिक जीवन में समन्वय और धैर्य बनाकर चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है, तो समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल और बहुत ही बेहतर रहने वाला है। शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर आपको जानकारी दिया जाए, राशि के पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, आपकी राशि के लिए शुक्र बनते हैं, और आप शुक्रदेव जो कि मार्गीय अवस्था में आपके राशि के द्वितीय भाव पर प्रभावी रहेंगे, गोचर करेंगे, तो यहां पर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए सफलता की सौगातें विशेष रूप से आपको देखने के लिए मिल सकती है। परीक्षा प्रतियोगिता की यदि आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सकारात्मकता और सफलता आपको देखने के लिए मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंध के मामले में समय आपके लिए चुनौती पूर्वक रहने वाला है। राशि के पंचम भाव पर विच्छेदात्मक ग्रह केतु और मंगल का जो प्रभाव है वो आपके प्रेम संबंधों में नकारात्मकता आपको दे सकता है, इसलिए संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रेम संबंधों में यदि आप जुड़े हुए हैं तो व्यर्थ के वैचारिक मतभेद निर्मित करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक संबंधों के मामले में भी समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। राहु और बृहस्पति आपकी राशि के 11th हाउस पर मौजूद हैं और देवगुरु ही आपकी राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन भी कर चुके हैं और वक्री होने वाले हैं, ऐसी स्थिति में आपके वैवाहिक जीवन में काफी हद तक बेहतर स्थितियां बनेंगी। रिश्तों में मजबूती और रिश्तों में परिपक्वता आपको ज्यादा दिखाई दे सकती है। गुरु राहु का चांडाल योग आपके वैवाहिक जीवन में ज्यादा समस्याएं दे रहा था, उससे आपको निपटारा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं सेहत के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों राशि के स्वामी बुध बनते हैं और बुध आपके पराक्रम भाव पर काफी शानदार स्थितियों में रहने वाले हैं। तो मून साइन के आधार पर यानी चंद्र राशि के आधार पर सेहत आपकी काफी बेहतर रहेगी। यदि आपकी मिथुन राशि है तो सेहत के मामले में सुरक्षा काफी ज्यादा बनी रहने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मेडिटेशन और ध्यान जरूर करना चाहिए,
क्योंकि आपके रज राशि के 11th हाउस पर ग्रही स्थितियां हैं, वो आपको मानसिक रूप से प्रतिकूलताएं दे सकती है। शारीरिक रूप से आप काफी ज्यादा चुस्त और दुरुस्त रहने वाले हैं। गंभीर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व दो विशेष सावधानियों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसका यदि आप ध्यान रखते हैं ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। सबसे पहला, मिथुन राशि वाले जातकों को व्यर्थ का दिखावा करने से, यदि आर्थिक रूप से आप धन का दिखावा कर रहे हैं तो इससे आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को इस समय अवधि में बेहतर स्थितियों का निर्माण करने के लिए भावना के वशीभूत होकर किसी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से बचना चाहिए, तो भी समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, दर्शकों आपकी राशि के स्वामी बुध बनते हैं, तो यदि आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ इस समय अवधि में बेहतर स्थिति यदि आप निर्मित करना चाहते हैं, देखिए गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करें। और आपने देखा होगा कि सड़कों पर गायें, आवारा गायें घूमती रहती हैं, यदि भूखी गायों को यदि आप हरे चारा डालते हैं, यकीन मानिए आपके राशि के स्वामी बुध की प्रबल स्थिति बनेगी। कई ग्रहीय दुष्प्रभावों से, कई ग्रहीय नुकसान से आपको राहत मिलने वाली है। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखना काफी बेहतर रहेगा। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।